हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो देखते हैं द रियल सैलरी ऑफ एन इंडियन आर्मी ऑफिसर, आर्मी ऑफिसर रैंक एंड सैलरी। तो वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले, अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाए जैसे हम अपलोड करें। अगर आपको वीडियो पसंद आता है प्लीज लाइक एंड शेयर, जल्दी शुरू करते हैं। और दूसरे दो चैनल्स लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उनको भी सब्सक्राइब कर लेना, आपके रिक्वेस्टेड वीडियोस वहां पर भी आ रहे हैं। चलो शुरू करें। दोस्तों, आर्मी ऑफिसर बनना कई युवाओं का सपना होता है, लेकिन हर साल काफी कम नियुक्तियां होने की वजह से कम लोग ही आर्मी ऑफिसर बन पाते हैं। आर्मी ऑफिसर बनने के लिए डिफेंस सर्विस एग्जाम पास करना होता है, जो कि यूपीएससी द्वारा साल में दो बार आयोजित होता है। इसके अलावा आर्मी ऑफिसर को कमीशन ऑफिसर भी कहा जाता है, जो कि आईएएस और आईपीएस ऑफिसर के रैंक के बराबर होते हैं। तो दोस्तों, अगर आप एग्जाम क्रैक करके इस मुकाम तक पहुंच जाते हैं तो आपको गवर्नमेंट के द्वारा काफी आकर्षक सैलरी आपके रैंक के हिसाब से प्रोवाइड की जाती है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे। मैं तो पापा से रैंकिंग ही पूछती रहती थी। अच्छा, इसमें कौन से रैंकिंग होते हैं, आर्मी में क्या होती है? तो दोस्तों, इस वीडियो के साथ तक बने रहिए। चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। अभी भी कई बार पूछते थे ये बड़ा है कि वो बड़ा है। लेफ्टिनेंट रैंक की, लेफ्टिनेंट की यूनिफॉर्म के कंधे पर दो स्टार लगे होते हैं। पापा ने बड़ा समझाया। इसके अलावा एक लेफ्टिनेंट शुरुआती कमीशन ऑफिसर रैंक होते हैं, भी होती हैं। और इन्हें वायु यानी यंग ऑफिसर भी कहा जाता है। आईएमए या ओटीए से ट्रेनिंग पूरी करने के बाद उन्हें जो पहली पोस्ट मिलती है वो लेफ्टिनेंट की ही मिलती है। इसके अलावा एक लेफ्टिनेंट नाइन्थ हाईएस्ट कमीशन ऑफिसर रैंक होता है। अब हम बात करते हैं इन्हें मिलने वाली सैलरी के बारे में। तो दोस्तों, भारत में जब से सेवेंथ पे कमीशन लागू हुआ है उसके बाद से ही आर्मी ऑफिसर की सैलरी काफी ज्यादा आकर्षक हो गई है। तो दोस्तों, लेफ्टिनेंट की जो स्टार्टिंग बेसिक पे सैलरी है वो 56,100 रुपए की होती है, और बाकी साल की बता रहे महीने की, लेफ्टिनेंट को टोटल 1,04,137 रुपीस पर मंथ की सैलरी दी जाती है। इसके अलावा एक लेफ्टिनेंट अपने दो साल की सर्विस पूरी कर लेते हैं तो उन्हें लेफ्टिनेंट से कैप्टन के रूप में प्रमोट कर दिया जाता है। तो दोस्तों, अब बात करते हैं कैप्टन रैंक की। कैप्टन के यूनिफॉर्म के कंधे पर थ्री स्टार लगे होते हैं। इसके अलावा एक कैप्टन एट्थ हाईएस्ट कमीशन्ड ऑफिसर रैंक है, और इनकी स्टार्टिंग बेसिक पे सैलरी 61,300 रुपीस की होती है। ये सब मिला मलो के बता बेसिक है। एक कैप्टन अभी मिलेगा, मिलाएंगे अभी 1,354 रुपीस पर मंथ की सैलरी दी जाती है। इसके अलावा जब कैप्टन अपने 6 साल की सर्विस पूरी कर लेते हैं तो उन्हें मेजर के रैंक पे प्रमोट कर दिया जाता है। साथ ही साथ उन्हें पार्ट बी एग्जाम क्लियर करना कंपलसरी होता है। तो दोस्तों, अब बात करते हैं मेजर रैंक की। मेजर के यूनिफॉर्म के कंधे पर एक अशोक स्तंभ लगा होता है। इसके अलावा मेजर इंडियन आर्मी में 7th हाईएस्ट कमीशनड ऑफिसर रैंक होता है, और कर्नल होगा क्या? बेसिक पे सैलरी 69,400 की होती है, और बाकी सभी अलाउंसेस को मिलाकर एक मेजर को टोटल 1,25,152 रुपीस पर मंथ की सैलरी दी जाती है। तो दोस्तों, अब बात करते हैं लेफ्टिनेंट कर्नल रैंक की। लेफ्टिनेंट कर्नल रैंक के यूनिफॉर्म के कंधे पर एक अशोक स्तंभ के साथ एक स्टार लगे होते हैं। एयरफोर्स का भी लेफ्टिनेंट कर्नल और इसके साथ ही पार्ट डी एग्जाम क्लियर करना होता है। इसके अलावा लेफ्टिनेंट कर्नल इंडियन आर्मी में 6th हाईएस्ट कमीशनड ऑफिसर रैंक होते हैं, और इनको दी जाने वाली स्टार्टिंग बेसिक पे सैलरी 1,21,200 और बाकी सभी अलाउंसेस को मिलाकर एक लेफ्टिनेंट कर्नल को 996 रुपीस पर कर्नल से केवल लगता है कि हाँ भाई पोस्ट पोजीशन नीचे आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताओ कि आप इनमें से कौन से एंट्री के थ्रू एग्जाम क्रैक करके आर्मी ऑफिसर बनोगे। नीचे कमेंट में बताएं। तो दोस्तों अभी तक हमने जितने भी रैंक के बारे में बताया ये सभी टाइम स्केल रैंक्स हैं। लेकिन मेजर और लेफ्टिनेंट कर्नल के लिए पार्ट बी और पार्ट डी एग्जाम क्लियर करना कंपलसरी होता है। एयरफोर्स में भी ऐसे कुछ होता है। अब आगे जिस रैंक के बारे में हम बात करने वाले हैं ये सभी सिलेक्शन ग्रेड रैंक्स होते हैं। इसका मतलब यह है कि प्रमोशन के लिए ऑफिसर्स की मेरिट और एनुअल कॉन्फिडेंस अब डिफिकल्ट होता है आगे जाना। तो दोस्तों, अब बात करते हैं कर्नल रैंक की। कर्नल के यूनिफॉर्म के कंधे पर एक अशोक स्तंभ के साथ दो स्टार लगे होते हैं। इसके अलावा कर्नल एक सिलेक्शन ग्रेड रैंक होता है,
जो कि 15 ईयर्स की कमीशन्ड सर्विस पूरी करने के बाद ही उन्हें मिलती है। इसके साथ ही कर्नल को कमांडिंग ऑफिसर भी कहा जाता है और यह इंडियन आर्मी में 5th हाईएस्ट कमीशन्ड ऑफिसर रैंक होते हैं और इनको दी जाने वाली स्टार्टिंग बेसिक सैलरी 1,30,600 रुपीज़ की होती है और बाकी सभी अलाउंसेस को मिलाकर एक कर्नल को टोटल 2,21,848 रुपीज़ पर मंथ की सैलरी दी जाती है। मैन्युफैक्चरिंग। तो दोस्तों अब बात करते हैं ब्रिगेडियर रैंक की। ब्रिगेडियर के कंधे पर एक अशोक स्तंभ के साथ 3 स्टार लगे होते हैं। इसके साथ ही ब्रिगेडियर 1 स्टार रैंक होता है जिसे यूनिफॉर्म के कॉलर पर लगाया जाता है। इसके अलावा ब्रिगेडियर भी एक सिलेक्शन ग्रेड रैंक होता है और इसके साथ ही सिलेक्शन पाने के लिए 26 ईयर्स की कमीशन सर्विस जरूरी होती है और ब्रिगेडियर इंडियन आर्मी में 4th हाईएस्ट कमीशन ऑफिसर रैंक होता है और इनको दी जाने वाली स्टार्टिंग बेसिक पे सैलरी 1,39,600 रुपीस की होती है और बाकी सभी अलाउंसेस को मिलाकर एक ब्रिगेडियर को टोटल 36,068 रुपीस पर मंथ की सैलरी दी जाती है। एक बात और दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके मुझे एयरफोर्स की देखनी है, एयरफोर्स की नॉलेजेबल वीडियो सबसे पहले देखने के लिए, क्योंकि उसमें वो स्ट्राइप्स होते हैं। मेजर जनरल रैंक की। मेजर जनरल के यूनिफॉर्म के कंधे पर एक स्टार के साथ क्रॉस पैटर्न एंड स्वॉर्ड लगा होता है। इसके साथ ही मेजर जनरल 2 स्टार रैंक होता है जिसे यूनिफॉर्म के कॉलर पर लगाया जाता है। इसके अलावा मेजर जनरल भी सिलेक्शन ग्रेड रैंक होता है और इन्हें सिलेक्शन पाने के लिए कम से कम 32 इयर्स की कमीशन्ड सर्विस कंप्लीट करनी होती है। इसके साथ ही मेजर जनरल इंडियन आर्मी में 3rd हाईएस्ट कमीशन्ड ऑफिसर रैंक होता है और इनको दी जाने वाली स्टार्टिंग बेसिक पे सैलरी 1,44,200 रुपीस की होती है और बाकी सभी अलाउंसेस को मिलाकर एक मेजर जनरल को टोटल 2,27,836 रुपीस पर मंथ की सैलरी दी जाती है। एक इंपॉर्टेंट बात और दोस्तों, मेजर जनरल से जनरल रैंक तक को एमएसपी नहीं दी जाती है जिस वजह से उनके अलाउंसेस में थोड़ी बहुत कमी हो जाती है। क्यों नहीं दी जाती? अब बात करते हैं लेफ्टिनेंट जनरल रैंक की। लेफ्टिनेंट जनरल के यूनिफॉर्म के कंधे पर एक अशोक स्तंभ के साथ क्रॉस बैटन एंड स्वॉर्ड लगा होता है, तो पहले भी था। इसके साथ ही लेफ्टिनेंट जनरल 3 स्टार रैंक होता है जिसे यूनिफॉर्म तो मतलब यहाँ सेम हुआ पर यहाँ पे स्टार अलग होंगे। जनरल रैंक भी सिलेक्शन ग्रेड रैंक होता है। अब मेरा कंफ्यूजन शुरू हो रहा है। सिलेक्शन पाने के लिए 36 इयर्स की कमीशन सर्विस जरूरी होती है। इसके साथ ही लेफ्टिनेंट जनरल को वाइस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के तौर पर भी नियुक्त किया जाता है और यह इंडियन आर्मी में 2nd हाईएस्ट कमीशन्ड ऑफिसर रैंक होता है और इनको दी जाने वाली स्टार्टिंग बेसिक पे सैलरी 2,25,000 रुपीस की होती है और बाकी सभी अलाउंसेस को मिलाकर एक लेफ्टिनेंट जनरल को टोटल 3,55,500 रुपीस पर मंथ की सैलरी दी जाती है। पर इतना एक्सपीरियंस और इतना टाइम की बात करते हैं जनरल रैंक की। जनरल के यूनिफॉर्म के कंधे पर एक अशोक स्तंभ और एक स्टार के साथ क्रॉस बैटन एंड स्वॉर्ड लगा होता सारे है। इसके साथ ही जनरल 4 स्टार रैंक होता है जिसे यूनिफॉर्म के कॉलर पर लगाया जाता है। इसके अलावा जनरल भारतीय सेना की सबसे उच्चतम रैंक होती है और इन्हें चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ भी कहा जाता है और इनको मिलने वाली स्टार्टिंग बेसिक पे सैलरी 2,50,000 हो जाए और बाकी सभी अलाउंसेस को मिलाकर एक जनरल को टोटल 3,95,000 रुपीस पर मंथ की सैलरी दी जाती है। इन सभी रैंक्स के अलावा इंडियन आर्मी में एक और रैंक होता है जिसे फील्ड मार्शल रैंक कहते हैं। यह रैंक किसी को सम्मान की दृष्टि से दी जाती है, हालांकि यह रैंक गिने चुने लोग को ही दी जाती है। अभी तक यह रैंक सिर्फ 2 लोगों को ही मिली है जिसमें की एक है फील्ड मार्शल केम करियप्पा और फील्ड मार्शल सैम मानिकसो। हालांकि अब यह रैंक किसी को नहीं दी जाती। तो दोस्तों आज का हमारा वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर ले। ये देख के बड़ा अच्छा लगा कि सैलरी जो है काफी अच्छी कर दी है, क्योंकि हमें याद है जब हम छोटे थे। देखिए अच्छी मतलब यूट्यूबर से कंपेयर करें तो यूट्यूबर से को कंपेयर करना है वो यूट्यूबर क्या है मतलब, और जो जनता वो तो है दुख की बात है। एंड लुकिंग एट कि वो कितना मतलब देश के लिए और जिस तरह से वो सब कर रहे हैं, कितनी सालों की मतलब मेहनत, इतनी ड्यूटी जो डेडिकेशन दी है, मैसिव डिफरेंस है। तभी तो गुस्सा आता है जब इन लोगों को दूसरों को देखते हैं। वैल्यू ऐड करते हैं एंटरटेनमेंट वाले
वर्सेस तो आपको जब हम लोग दुखी होते हैं, मैं कोई ऐसे कमेंट्स करती हूँ तो आप बोलते हो जी आप जेलस होते हैं, कई लोगों को ये लगता है, भैया जेलस नहीं होते, हमको दुख होता है कि इतने मोर डिजर्विंग लोग हैं इस दुनिया में जिनको मिलना चाहिए पर उसकी जगह इन लोगों को मिल रहा है, तो इसलिए दुख क्योंकि एंटरटेनमेंट का पैसा है, जनता एंटरटेनमेंट की तरफ जाती है, स्पोर्ट्स की तरफ जाती है, इसलिए वो तब दुख, वो सोच के दुख होता है, लोगों की ज्यादा जरूरत है और जहाँ पे वो ज्यादा मेहनत, ज्यादा डेडिकेटेड, ज्यादा मतलब हर चीज में वो बेटर, पर इसमें एक चीज है, जो भी जाता है इस फील्ड के अंदर या आप बोलोगे इस प्रोफेशन के अंदर, वो पैसा कम और देश के लिए जो है वो ज्यादा करता है। मैं जैसे शेयर कर रही थी, मैंने कहा जब हम बचपन में थे, छोटे थे, सैलरी कोई ज्यादा नहीं होती थी, तो खर्चे जो मम्मी पापा करते थे वो बहुत सोच समझ के करते थे कि भाई पूरा महीना चलाना है, बच्चों को स्कूल भी भेजना, और हमको समझ आती थी एंड वी हमको समझ होता था, इसलिए हम डिमांड भी नहीं कुछ करते थे कि हमें पता है कि लिमिटेड सैलरी है, पापा की जॉब है और उसमें जो है इतना सैलरी, हाँ पर ये है इज्जत बहुत थी, तो वो जो आपको कम पैसा पर वो इज्जत जो आपको मिलती है ना, और जो लाइफ आपको होती है और जिस तरह से आपकी अपब्रिंगिंग होती है, जिस आप एटमॉस्फेयर में जहां पे रह रहे हो और जैसे लोगों से मिलते हो, जो आपका लाइफस्टाइल और आपके बच्चे जो बड़े हो रहे हैं वो जिस तरह के होते हैं वो टोटली डिफरेंट होते हैं बाकी बच्चों से या बाकी जो नॉर्मल पब्लिक जिस तरह से लाइफ चल रह रही है। तो वही तो मैं कहती हूँ कि मैं अब जब कंपेयर करती हूँ तो मैं इतना मिस करती हूँ ये सब। अब पिछली बार जब इंडिया गए थे तो पापा मुझको एफओस के जो वो होती है कैंटीन कुंटून लेके गए थे, तो वो सब इन्हीं एरियाज के अंदर होती है ना, तो इतना अच्छा लग रहा था, सल्यूट हो रहे हैं, ये हो रहा है, यूनिफॉर्म में सब है, इट वॉज सो इम्प्रेसिव। तो चलो यार आप भी शेयर करना अपने थॉट्स, चलते हैं मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द, टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।